हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? आई होप आप लोग के बेबी ठीक हो। देखिए, हम घर से बाहर आ गए थे और सबको पकौड़े खाने गए। तो पकौड़े और चाय यहाँ से ले रहे थे। यहाँ के पकौड़े बहुत अच्छे पकौड़े और चाय मिलता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज जा रहे थे और पकौड़े भी आप यहाँ से खा लीजिए और चलिए फिर खाते हैं। सबसे फेमस फ्रूट चाट मिलता है। बहुत पहले से ही हम लोग आते हैं, तो मेरे हस्बैंड हम लोग आए थे दौरा, तो यहाँ पे ले रहे हैं फ्रूट चाट। देखिए बनाने के लिए मेरा फ्रूट चाट बन रहा है। ये देखिए फ्रूट चाट, और फ्रेंड्स आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिए। आ गए हैं और गुरुद्वारे में बहुत अच्छे से घूम लिया, दर्शन कर लिया और झलक के नाम से वहाँ पर चढ़ा भी दिया है हम लोगों ने जो चढ़ाना था। तो ये देखिए मेरी झलक, ये खेल रही है छिलकी के साथ। और अभी अभी हम लोग केक काटेंगे, उसके पापा नीचे हैं, केक लाने गए हैं और क्या बोलते हैं उसकी बुआ भी है, तो वो लोग अभी आ जाएंगे, तो फिर हम लोग केक काटेंगे। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं केक काटने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, हस्बैंड सबके मुंह पे केक काट लिए और बिल्कुल ही टाइम नहीं मिला केक काटने का, बिकॉज बनाने का। तो फ्रेंड्स देखिए, कोई भी घर में काम होता है तो बहुत बिजी हो जाते हैं। भैया है, बंटी भी सब एक दूसरे को लगा रहे हैं और बहुत मस्ती। और केक दोस्त आए थे, तो कुछ पार्टी वार्टी तो किया नहीं था ज़्यादा, तो ये लोग आ गए थे पड़ोस में रहते हैं, तो इनको बहुत मस्ती था। मेरा हस्बैंड ना डेरी के और हस्बैंड जी के पैर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, सबको की लगा ज़्यादा जबरदस्ती तो लगा रहे थे, बुलाया नहीं भैया तो इसलिए वो लगा रहे हैं। देखिए बस दो भैया ही आए थे, तो इन्हीं के साथ ही सेलिब्रेट किया। और देखिए बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे, एक दूसरे को लगा रहे थे, तो घर में कोई भी मना कर रहे थे, लेकिन मेरे हस्बैंड कहाँ मानते थे, अच्छा ही लगता है, सब खुश थे, तो बहुत ही अच्छा लगता था। और आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताइए फ्रेंड्स काट लिया तो कैसा रहा ये वीडियो। तो फ्रेंड्स आप ही थे, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे, तो मैं दो साल से मैं वीडियो बना रही हूँ, लेकिन आप लोग इनकी मेरा बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वही के वही है मेरा वीडियो और चैनल, और ना तो ग्रो हो रहा है ना तो कुछ, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा सिर्फ वीडियो बनाने का। मस्ती कर रहे थे, कभी कभी डाल ही देती हूँ क्योंकि अब मन नहीं करता फ्रेंड्स इतने दिन से, अगर मेहनत करो और उसका गोल भी रिजल्ट मिले तो अच्छा ही नहीं होती है बनाने का। तो मेरी ननद बहुत बोलते बना लो क्योंकि कोई बात नहीं, तो देखिए एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन प्लीज़ फ्रेंड आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, तभी जाके मैं वीडियोस बनाया करूँगी, नहीं तो क्या फ़ायदा जब कोई देखेगा ही नहीं। तो देखिए ये एक दूसरे को लगा लिया, फिर साफ लगे थे और मस्ती खुश हो रही थी। और देखिए ऐसा भी मजाक कर रहे थे एक दूसरे थे, बस ऐसे ही बनाया छोटा करके ही झलक का बर्थडे, क्योंकि इस बार इस ऐसी परिस्थितियाँ नहीं थी जिससे कि हम लोग अच्छे से ज़्यादा तरीके से बनाते, क्योंकि झलक के पापा के पापा को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। वो हंस तो रहे हैं लेकिन इतनी तकलीफ है बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स। मैं बताना नहीं चाह रही थी लेकिन कभी शेयर करूँगी उनको क्या हुआ है। तो ये देखिए मेरी झलक अपने अंकल लोगों को बोल रही है कुछ, और देखिए फ्रेंड्स सब भी बहुत ही खुश थे। ये झलक अपने पापा को देखिए अब लगाएगी केक, तो ये तो पापा के पीछे ही लग जाती है, बहुत ज़्यादा उनके प्यार करती है और उनके साथ ही ज़्यादा मस्ती करती रहती है। देखिए तो एक दूसरे को लगाएंगे लोग केक,
देखिए बाप बेटी का प्यार ही कुछ ऐसा होता है। देखिए फ्रेंड्स, इसे देख के आपको पता चलेगा झलक और झलक के पापा की बॉन्डिंग कैसी है। तो बहुत दोनों एक दूसरे को मस्ती करते हैं। देखिए वो पापा लगा रहे हैं, पापा बेटी पापा को पूरे मुंह पे पूरा ही वो कर देंगे। अब झलक और किसी से नहीं लगवाती है, अपने पापा से लगवा लेती है। देखिए पापा कुछ भी बोलेंगे तो मान जाती है वो। देखिए कैसे कितने अच्छे से लगा रही है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही देखिए डेकोरेशन भी ऐसे ही किया था, कोई ज़्यादा नहीं वो किया था, बस दो कुछ बलून्स वगैरह लाके बस ऐसे ही थोड़ा बहुत डेकोरेशन कर दिया था। तो ये देखिए झलक के अंकल भी लगा रहे हैं झलक को। तो आप लोग बताइएगा कैसा लगा वीडियो। ये देखिए आप सब अपने अपना मुंह पोंछ रहे हैं और मेरे हस्बैंड शैंपेन खोल रहे हैं झलक का, झलक के बर्थडे में शैंपेन लेके आए थे। तो देखिए फ्रूट शैंपेन है ये। तो मैं सोचती थी झाग निकलेगा लेकिन ये वो वाला नहीं था, तो इसमें से ऐसा नहीं हुआ, कोई वो नहीं हुआ, ऊपर उठ के जाता है जैसे कि वैसा कुछ नहीं था, फ्रूट वाला है ना इसीलिए फ्रेंड्स। तो देखिए ये खोल रहे हैं हस्बैंड और ये देखिए अपने अंकल को भी लगा रही है झलक। बस अपने में ही खुश रहते हैं। देखिए ऐसे ही मनाया थोड़ा बहुत ये मेरी ननद और ये देखिए बंटी भैया। वैसे वही ननद कल चली जाएगी तो उसका भी मैं वीडियो डालूँगी, तो ज़रूर देखिएगा नेक्स्ट वीडियो। तो ये देखिए दीदी को एक महीना करीब हो गया है, दीदी आई है तो अभी जाएंगी वो घर। भाई यानी कि अपने भाई की तबीयत ख़राब थी इसीलिए वो आई हुई थी। तो ये देखिए देखिए कुछ भी नहीं हुआ, कोई वो नहीं हुआ। ये देखिए झलक छुप गई डर के मारे। झलक मेरी बहुत इंजॉय करती है, बहुत नौटंकी करती है, इसकी नौटंकियों से तो इतना दिल खुश हो जाता है बस, और किसी चीज़ की कोई दुख भी नहीं रहता इसके इसके हंसी मजाक से। देखो नहीं वो हुआ तो सब मजाक बना रहे हैं। तो गाइस ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कैसा रहा वीडियो और झलक का बर्थडे कैसा मनाया। तो फ्रेंड्स आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी, ज़रूर प्लीज़ प्रॉपर वॉच कीजिए जिससे मेरा वॉच टाइम ज़्यादा हो जाए और मेरा भी चैनल मोनेटाइज हो जाए। बहुत यानी कि मेहनत करने के बाद अगर फल नहीं मिलता तो तकलीफ होती है थोड़ी, इसीलिए बोल रही हूँ बार बार आपसे, रिक्वेस्ट कर रही हूँ फ्रेंड्स। भाई देखिए शैंपेन के गिलास तैयार हो रहे हैं। बीच में मैंने कुछ वीडियोस डाले नहीं थे तो मेरा बहुत ज़्यादा वॉच टाइम भी घटा है और सब्सक्राइब भी घट गए हैं फ्रेंड्स। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मेरा चैनल जिससे मैं बंद ना करूँ, या मेरा तो मन ही नहीं हो रहा है चूँकि मैं और चैनल और वीडियोस डालूँ। बस ये इसीलिए डाल देती हूँ कुछ, क्योंकि ये यादें हैं फ्रेंड्स। ये पैसा कमाना बहुत ज़रूरी नहीं है कोई चीज़ के लिए, लेकिन यानी कि यादें हमेशा रह जाएंगी। झलक की झलक बड़ी छोटी से बड़ी हो रही है, सब चीज़ आप लोग देख रहे हैं और मैं भी बाद में भी देख पाऊँगी, अच्छा झलक भी देख पाएगी कभी भी देखना चाहेंगे तो इसीलिए फ्रेंड वीडियोज़ डाल देती हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोग सपोर्ट कीजिए और यानी कि वीडियो को पूरा पूरा वॉच कीजिए। तो देखिए ये तैयार हो गया है शैंपेन, तो और खीर और नूडल्स बनाया था। तो ये थैंक यू सो मच वॉच के लिए, थैंक यू।